ऐसे वो आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो हम बात करने वाले हैं कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग जो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो हम इसका बैकग्राउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो थोड़ा बहुत नॉइज वॉइज आएगा क्योंकि मैंने जगह चेंज कर दी है इसलिए, तो बाकी एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो हम सॉन्ग भी डाल सकते हैं नॉन कॉपीराइट, बट देख सकते हैं। तो यहाँ से ऐड फोटो में क्लिक करेंगे, जस्ट यहाँ से कुछ इस टाइप का फ़ोटो ऐड करेंगे, मॉडल जो रहेगा इस टाइप का लेंगे। तो फ्रेंड्स से देख सकते हो, जस्ट कुछ ऐसे जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद कुछ यहाँ पे ऐसे रख देंगे जस्ट। फिर इरेजर पे क्लिक करेंगे, जस्ट हार्डनेस को फुल साइज अपने मुताबिक रख लेंगे। जस्ट यहाँ से जूम करेंगे, जस्ट ए वाला पार्ट थोड़ा सा बच गया है, इसे इरेज कर देते हैं। जस्ट आगे भी थोड़ा सा बचा है तो उसे भी रेज कर लेते हैं। जस्ट यहाँ से राइट पे क्लिक करेंगे एंड फिर से ऐड फोटो पे जाएंगे, सॉरी यहाँ से ऐड फोटो पे जाएंगे, यहाँ से फिर कलर्स में जाएंगे, यहाँ से ब्लैक कलर चूज करेंगे। जस्ट राइट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ऐड पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स जस्ट इसको ऐड कर लेंगे, सॉरी उधर ट्रेन आ गई थी इसलिए थोड़ा वाइज आ रही थी ट्रेन साइड में ही है इसलिए। तो जस्ट यहाँ से हमने ऐड कर लिया है, यहाँ से फिर इरेजर पे जाएंगे, जस्ट इसकी हार्डनेस कुछ इतना रखेंगे, ओपेसिटी फुल साइज अपने बताते। जस्ट यहाँ पे इनवर्ट पे क्लिक करेंगे, इनवर्ट पे क्लिक करने के बाद जस्ट यहाँ से जूम कर लेंगे एंड जूम करने के बाद जस्ट यहाँ पे ऐसे पेंट करेंगे। तो गाइस देख सकते हो कुछ इस टाइप से, जस्ट उसके बाद यहाँ पर पेंट करेंगे कुछ इस टाइप से। तो जस्ट यहाँ से राइट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से लेयर्स पे क्लिक करके यहाँ से डाउन कर देंगे। डाउन करने के बाद यहाँ से ओपेसिटी कुछ इतना रखेंगे एंड जस्ट जूम करके देख लेंगे इतने पे फिट हो रहा है। तो जस्ट देख सकते हो थोड़ा और इसकी ओपेसिटी को कम करना पड़ेगा। तो जस्ट ओपेसिटी पे क्लिक करेंगे एंड कुछ इतना रखेंगे। जस्ट उसके बाद ये ऊपर वाला पार्ट है जो सूच के ऊपर आ चुका है जो शेडो है, तो जस्ट इसे हम कुछ इतना करके साइज कुछ इतना करके जस्ट ऊपर के पार्ट इरेज कर लेंगे। तो गाइस देख सकते हो एंड बिल्कुल परफेक्ट शेडो टाइप लग रही है एंड इसकी ओपेसिटी कुछ इतना रख के जस्ट यहाँ पे एक बार ऐसे इरेज कर देंगे। जस्ट यहाँ से डन करने के बाद यहाँ से डन कर देंगे। जस्ट यहाँ से ड्रॉ में चलेंगे एंड सेव टू डिवाइस, यहाँ से थ्री डॉट पकड़ेंगे सेव इमेज। फ्रेंड्स हम लाइट रूम में आ चुके हैं, जस्ट इसको करेंगे कलर ग्रेडिंग ताकि हमारा फोटो एकदम रियलिस्टिक लगे। तो जस्ट हम लाइट में आ जाते हैं एंड कॉन्ट्रास्ट को देख लेते हैं। जस्ट कॉन्ट्रास्ट को कुछ इतना रखेंगे, जस्ट हाईलाइट को प्लस के साइड 12 रखेंगे एंड शेडो को माइनस के साइड रखेंगे 11। जस्ट यहाँ से वाइट, तो वाइट को हम 7 बढ़ा देते हैं। जस्ट ये ब्लैक रहा, ब्लैक को कुछ इतना रखते हैं 26 माइनस 26। जस्ट यहाँ से कलर्स में आ जाएंगे एंड वाइब्रोस को कुछ इतना बढ़ाएंगे एंड मिक्स में आ जाएंगे। जस्ट ऑरेंज कलर का सैचुरेशन कुछ इतना रखेंगे एंड लुमिनस बढ़ा देंगे ताकि फेस देखो पूरा ब्राइट हो चुका है। जस्ट इसका ह्यू प्लस के साइड रखेंगे एंड यहाँ से येल्लो कलर का सैचुरेशन कुछ बढ़ा देंगे एंड ह्यू कुछ इतना रखेंगे माइनस के साइड। जस्ट यहाँ से ग्रीन कलर का सैचुरेशन बढ़ा देंगे एंड ह्यू माइनस के साइड रखेंगे। जस्ट एक्वा कलर का सैचुरेशन बढ़ा देंगे एंड ह्यू कुछ इतना माइनस के साइड रखेंगे। जस्ट ब्लू कलर का भी सैचुरेशन बढ़ा देंगे एंड ह्यू माइनस के साइड रखेंगे कुछ इतना। जस्ट इसका सैचुरेशन माइनस के साइड, जैसे इसका भी सैचुरेशन माइनस के साइड, जैसे यहाँ से डन कर देंगे। जस्ट यहाँ से इफेक्ट्स में आ जाएंगे, यहाँ से इसकी क्लियरिटी कुछ इतना रखेंगे। सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रेन कुछ ज़्यादा ही पास में है तो थोड़ी बहुत तो आवाज़ सुनने को मिल ही सकती है, जस्ट उसके लिए सॉरी। जस्ट यहाँ से वेगनेट को कुछ इतना रखेंगे, जस्ट देख सकते हो एंड मिड पॉइंट को हम बढ़ा लेते हैं करीब 60 कर देते हैं। जस्ट यहाँ से हाईलाइट भी देख लेते हैं, जस्ट एरा हाईलाइट
तो कुछ इतने हाईलाइट को रखेंगे एंड डिटेल्स में आ जाएंगे। डिटेल्स में आने के बाद शार्पनिंग कुछ इतने बढ़ाएंगे एंड नॉइज रिएक्शन 30 कर देते हैं एंड कलर नॉइज रिएक्शन को इसको 35 एंड जस्ट यहाँ से बिफोर आफ्टर देख सकते हैं एंड कलर ग्रेडिंग एकदम मस्त हो चुकी है जस्ट देख सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ से शेयर पे करेंगे, यहाँ से सेव टू डिवाइस।